नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अजिता। फर्जी अंक सूची के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले जिला रोजगार अधिकारी को रीवा पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया है। जिला रोजगार अधिकारी की गिरफ्तारी का खुलासा आज पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया है। बताया गया कि सतना जिले में पदस्थ रहे जिला रोजगार अधिकारी अमित सिंह के विरुद्ध पूर्व से रीवा के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज थी। आरोप था कि अमित सिंह द्वारा आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की फर्जी अंक सूची से शासकीय पद प्राप्त किया गया है। उक्त शिकायत पर जांच के दौरान पाया गया कि जिस अंक सूची के आधार पर अमित सिंह राजपत्रित पद पर पदस्थ हैं, वह अंक सूची पूरी तरह से फर्जी है और उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी अंक सूची से सरकारी पद हासिल किया है। मामले की जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर जिला रोजगार अधिकारी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में फरार होने पर पुलिस विभाग ने 10,000 का इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। धोखाधड़ी कर सरकारी पद लेने वाले रोजगार अधिकारी की तलाश में जुटी पुलिस की विशेष टीम ने सीधी रीवा के बीच स्थित मोहनिया घाटी से गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी शासकीय सेवक की गिरफ्तारी में रीवा CSP शिवेंद्र सिंह बघेल, सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार सहित स्क्वाड टीम की विशेष भूमिका रही है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। सर, ये एक आरोप पकड़ा गया, क्या मामला है? श्री रविंद्र कुमार मिश्रा परीक्षा नियंत्रक है, इनके द्वारा वर्ष 2018 में मार्च जुलाई में थाना सिविल लाइन में घोषणा दी गई थी। अमित सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो उनके महाविद्यालय का छात्र भी नहीं था और उसने गलत तरीके से महाविद्यालय के रिकॉर्ड में हेराफेरी करवा करके अंक सूची प्राप्त कर ली है और उस अंक सूची के आधार पर वो सरकारी नौकरी कर रहा था। इस सूचना पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 554 धारा 420 467 468 470 आजादी के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था। अपराध की जांच के दौरान पाया गया है कि अमित सिंह पिता आनंद सिंह निवासी घोघर, इसने वास्तव में साइंस महाविद्यालय में कभी एडमिशन नहीं लिया था, ये वहाँ का छात्र भी नहीं था और इसके कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर देखे गए, अटेंडेंस रजिस्टर में उसका कभी नाम नहीं था, परीक्षा में भी नहीं बैठा था और उसके बाद भी इसने फर्जी तरीके से महाविद्यालय की मार्कशीट प्राप्त कर ली थी। जाँच के दौरान आए साक्ष्य के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की तलाश की है, इसके प्रयास किए जा रहे थे और अभी हाल ही में दिनांक 5 जून को एक पुलिस की टीम द्वारा मोहनिया घाटी में से गिरफ्तार किया गया। सर, इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया? हाँ, अभी कुछ दिन पूर्व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया।